बच्चों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की जो संवैधानिक विकास की यात्रा है, उस संवैधानिक विकास की यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, मतलब आप कह सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1909 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आप याद रखिएगा कि इस एक्ट को हम और किसी नाम से भी जानते हैं। वो नाम क्या है? आप कहेंगे कि सर, हम लोग उसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? तो आप कहेंगे सर, एक साल पहले आ गया था, 1908 में ही आ गया था। क्लियर? इसमें मार्ले कौन है? ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, या आप कह सकते हैं कि ये भारत सचिव है। और अगर आपसे पूछा जाता है मिंटो सर कौन है, तो आप ये करिएगा, मिंटो सेकंड है, मिंटो दूसरे मिंटो हैंगे, मिंटो सेकंड। और ये तत्कालीन भारत के वायसराय थे। क्लियर हो गया बच्चों? लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के मुख्य सूत्राधार कौन है, मुख्य सूत्राधार, या आप कह सकते हैं कि मेन फॉर्मुलेटर कौन है, तो आप कह देंगे कि सर, भारत सचिव मार्ले। मार्ले ही इसके सूत्राधार हैं या मेन फॉर्मुलेटर हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है हमारे सामने, क्वेश्चन अपने आप उत्पन्न हो जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के पारित होने के कारण क्या है, मतलब कारण क्या है, क्यों पारित किया है आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को। क्लियर? तो बच्चों, इसके कई पॉइंट्स हैं जिसे हम पॉइंट वाइज में दिखा दे रहे हैं ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। क्लियर? तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा, किसी भी एक्ट के पारित होने के मूल में असंतोष या हित ही होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, या इंडिया काउंसिल एक्ट आया था, उससे भारतीयों में असंतोष था। ठीक है, अब सवाल इस बात का है कि भारतीयों में किस बात का असंतोष है, क्या ऐसी चीज हो गई कि भारतीयों में असंतोष आ गया? तो आप कहेंगे कि इस एक्ट में जनमत की उपेक्षा की गई थी, कि उपेक्षा की गई थी, है ना? अब आप कहेंगे क्या उपेक्षा की गई, तो आप देखिए, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 या भारत परिषद अधिनियम में प्रतिनिधित्व को तो अवश्य स्वीकारा गया था, लेकिन जो ये प्रतिनिधि आए, मतलब परिषदों के लिए, केंद्रीय विधान परिषद है या प्रांतीय विधान परिषद है, तो इसमें जो प्रतिनिधि आए हैं ये जनता के प्रतिनिधि थोड़ों न हैं, ये जनमत का नेतृत्व नहीं करते, सॉरी, जनमत का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये किसका नेतृत्व कर रहे हैं? आप कहेंगे एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। किसका कर रहे थे? विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, इसलिए जनता में असंतोष तो होना स्वाभाविक था। ठीक है, दूसरी बात भी हम आपको बताना चाहेंगे कि और क्या बातें थी। देखिए, आर्थिक असंतोष भी था लोगों में। देखिए, जो भारत में आर्थिक असंतोष की अगर पूछा जाए कि परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप कहेंगे दो इतिहासकार हैं और अर्थशास्त्री भी हैं, एक दादा भाई नौरोजी है जिन जिनकी किताब पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया है, वो है
और दूसरी है अर्थशास्त्री आर सी दत्त, एन इंट्रोडक्शन ऑफ एंशंट इंडिया में आर्थिक असंतोष को वहीं से प्रदर्शित किया जाना शुरू हो चुका था। लेकिन अब यहाँ हमको देखना है कि आर्थिक असंतोष यहाँ क्या था। आप कहेंगे कि सर देखो, ब्रिटिश वस्तुओं पर जो आयात कर लगाया जा रहा था पहले, मतलब 1892 से पहले वह कितना था? 5% था। लेकिन 92 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ? आप कहेंगे सर इसे घटा करके 3.5% कर दिया गया। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, अब क्या होगा? 5% था और आप 3.5% कर दिए, तो इसका प्रभाव क्या आएगा? मतलब ब्रिटेन से आने वाली वस्तुएं ये सस्ती हो जाएंगी भारत के बाज़ार में। ब्रिटेन से जो आयातित वस्तुएं हैं ये क्या करेंगे? ये भारत के बाज़ारों में आकर के सस्ती हो जाएंगे, और जब सस्ती हो जाएंगी तो भारत के जो उत्पाद हैं वो इनका सामना नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, भारत में जो गुड्स बनते थे, वस्तुएं बनती थी, वो मैनुअली बनती थी, हाथ से बनती थी, और ब्रिटेन से आने वाली वस्तुएं क्या थी? वह मशीन से बनती थी, ज़्यादा बनती थी। ठीक है, और वो अलग की बात है कि घटिया बनती थी, लेकिन सस्ती होने के कारण क्या होगा? लोग किसको खरीदेंगे? इसी को तो खरीदेंगे। तो जो भारतीय बाज़ार है उसमें भारत की वस्तुएं ही बेकार होकर के रह जाएंगी। इसके साथ इन्होंने एक काम और भी किया था। ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट, इधर आप देखिए, 3.5% इन्होंने ब्रिटेन, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1.5% यहाँ पर कमी कर रहे हैं, और जो भारतीय वस्तुएं हैं उन पर 3.5% ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि उत्पादन कर बढ़ा दे रहे हैं। तो जब उत्पादन कर भारतीय वस्तुओं पर आपने उत्पादन कर भारतीय वस्तुओं पर जब आप बढ़ाएंगे, तो भारतीय जो वस्तुएं हैं, भारतीय होना चाहिए था, भारतीय वस्तुएं जो हैं जब आप इस पर टैक्स इम्पोज कर देंगे तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? बट नेचुरल है ये महंगी होगी, और उधर आप टैक्स कम कर रहे हैं विदेशी वस्तु के प्रति, ठीक है ना। तो इससे भी जनता में असंतोष था। ठीक है, देश की आर्थिक स्थिति डामाडोल चल रही थी उस समय। एक पॉइंट इसी के अंदर आप और कर लीजिएगा, या आप चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं। ठीक है, देश आर्थिक तंगी में गुजर रहा है, ठीक है, और लेकिन सरकार क्या कर रही है? कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना रही है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पर खूब पैसे खर्च कर रही है, और साथ में अपने महाराज, ब्रिटेन के महाराज या किंग एडवर्ड 7th के दौरे पर या उनको सम्मानित करने के लिए भारतीय राजकोष से पैसा, ठीक है, कैसे बहाया जा रहा है? पानी की तरह से बहाया जा रहा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये था आर्थिक असंतोष। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ एक और भी कॉन्सेप्ट था यार, और वो कॉन्सेप्ट था कि जो यहाँ के वाइसराय थे, तत्कालीन जो वाइसराय थे, आप जानते हैं तत्कालीन जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कर्जन सर थे। तो जो लॉर्ड कर्जन सर हैं ये क्या कर रहे थे? एक तो इनके जो शासन के तरीके थे वो कैसे थे? प्रतिक्रियावादी थे। और दूसरी बात ये था कि इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था, बंगभंग कर दिया था, बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा था। और इस बांटने के पीछे उन्होंने तो कहा था कि हमने भाई एक बेहतर प्रशासन के लिए किया, लेकिन क्या भारत की जनता और भारत के तत्कालीन जो बुद्धिजीवी थे, मनीषी थे, उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि वाइसराय महोदय या ब्रिटिश सरकार ये क्या करना चाहती है भारत में? भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ा करके भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद को तोड़ना चाहती है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? जब भारतीय इस चीज़ को, सत्य को जान रहे हैं और आप कुछ और बता रहे हैं, तो इसमें भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावनाएं जगेंगी, और भारतीय जो नौजवान वर्ग है ये हिंसा की तरफ बढ़ेगा, और क्रांति की आवाज़ तेज गति पाएगी। अब ये जो हमारे भारतीय नौजवान हैं
जिनको असंतोष में ज़्यादा था, वे लोग एक और घटना से प्रभावित हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में क्या था। देखिए 1905 का वर्ष है, आप एक तरफ बंगाल का विभाजन करके भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद को तोड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक घटना हो रही है। क्या 1905 में जापान जैसा एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश, ठीक है, ये क्या कर रहा है, दुनिया के विशालकाय राष्ट्र रूस और इटली को पराजित कर पा रहा है, मतलब इटली और रूस को पराजित करने में सफल हो गया था। तो आप ये बताओ, आप क्या भारतीय जो नौजवान वर्ग है उसमें क्या यह प्रोत्साहन नहीं मिलेगा कि यार जब जापान जैसा एक छोटा सा राज्य या राष्ट्र इन लोगों को पराजित कर सकता है, तो क्या हम लोग ब्रिटेन जैसी विदेशी सत्ता के विरुद्ध सफलता हासिल नहीं कर सकते क्या? क्लियर? तो ये चीज़ भारतीय नौजवानों को प्रभावित कर रही थी, और भारतीय नौजवान जो हैं वह क्या हो रहे थे, यूनाइट हो रहे थे, हिंदू मुसलमान सभी यूनाइट हो रहे थे। तो अब ये जो यूनिटी है इसको तोड़ने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया था, समझ गए आप। इस यूनिटी को तोड़ने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को लाया गया था, है ना। और एक चीज़ और भी था बच्चों, थोड़ा पॉजिटिव पक्ष है ये, क्लियर। वो आपको याद रखना होगा, दूसरा पॉइंट कर लेते हैं कि देखिए जो 1905 से लेकर के और 1908 का दौर चला है, इस दौर में ब्रिटेन की सत्ता किसके हाथों में है। तो आप जानते हैं कि 1905 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, हेनरी कैंपबेल सर थे। कौन थे? हेनरी कैंपबेल सर थे, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। 1908 में इनके स्थान पर कौन आ रहा है, हेनरी एक्सविथ सर आ रहे हैं, हेनरी एक्सविथ आ रहे हैं। ये नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अब ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये दोनों ही प्रधानमंत्री कैसे थे, ये दोनों ही प्रधानमंत्री उदारवादी थे, और उदारवादी होने के कारण वो भारत में सुधार भी करना चाहते थे, क्लियर। और इसलिए भी वो भारत सरकार अधिनियम 1909 को पारित करने में दिलचस्पी भी रखते थे, क्लियर। और दूसरी तरफ मार्ले और मिंटो भी उदारवादी ही थे, ठीक है। और बच्चों एक बात और था, एक बड़ी और बातें भी थी कि भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो चुका था, और इस क्रांतिकारी आंदोलन को भी कमज़ोर करना था, समाप्त करना था, ठीक है। कैसे? आप कहेंगे कि सर सांप्रदायिकता के बीजारोपण के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, अब इस क्रांतिकारी आंदोलन को आप समाप्त करना चाह रहे हो, तो कैसे समाप्त कर सकते हो आप? तो हिंदू मुसलमान कर दिया जाए, और जब आप हिंदू मुसलमान कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि एक नफ़रत आ जाएगी, और जब ये नफ़रत आ जाएगी दोनों के बीच में तो अपने आप ही राष्ट्रवाद कुचल जाएगा, ठीक है। और इसलिए सांप्रदायिकता के आधार पर देश को बांटने की भी योजना बनी थी। वैसे तो देश का विभाजन 1947 में हुआ था, लेकिन उसका कानूनी रूप यही डाल दिया जाएगा, इसी एक्ट के द्वारा भारत विभाजन की नींव पड़ जाएगी, क्लियर। और मेरे प्यारे बच्चों एक और बड़ी भूमिका आती है, प्रेस की भूमिका। ये देखिए, ये भी गजब का संयोग है कि इसी समय कुछ प्रेस निकाले जा रहे हैं, जैसे वंदे मातरम का प्रकाशन हो रहा है, है ना बच्चों, और दूसरा किसका प्रकाशन हो रहा है, युगांतर का प्रकाशन हो रहा है।
और किसी का प्रकाशन हुआ है, आप कहेंगे केसरी, ये तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन लेखन इनके जो है बदल रहे हैं। काल भी चल रहा है यहाँ, तो काल को जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का बारूद कहा जाता है इसे, काल को। और केसरी तिलक सर का है, और युगांतर वारिंद घोष जैसे लोगों की संस्था है। वंदे मातरम एक महान ऋषि या शिक्षक आप कह सकते हैं अरविंद घोष सर का है। और इन सबके द्वारा क्या किया गया है, राष्ट्रीय जो चेतना है इसको जगाया गया है, ठीक है, मतलब इन सब ने किसको जगाया, आप कहेंगे राष्ट्रीय जागरण का काम किया है इन्होंने, राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम किया इन्होंने। और इन्हीं सबको रोकने के लिए क्या आया, भारत सरकार अधिनियम 1909 आया। तो देखिए, एक हमने आपका क्वेश्चन कर दिया है, प्री के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है आपके लिए, मुख्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बच्चों, ये चीज़ें जब आपने जान लिया तब आपके सामने अगला पॉइंट अपने आप उठ खड़ा होता है, जैसे आपको जानना है कि क्या है इसके अंदर प्रोविज़न क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं, मैं सोचता हूँ कि आप लोग क्लास से काफ़ी लाभ ले रहे होंगे, क्योंकि हमने जो मैटर दिए हैं या देते चले जा रहे हैं वो सभी रेयर मैटर हैं, और आपके सपनों के लिए अगर मेरा कुछ भी योगदान हुआ तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। आइए, उपबंध क्या क्या है इसके अंदर, प्रोविज़न क्या क्या है। तो बच्चों, पहली बात याद रखिएगा, पहली ही बात, केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया है। केंद्रीय जो विधान परिषद है इसका विस्तार किया गया, केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार हो रहा है बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या किया गया, सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया, क्लियर, 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया जा रहा है, 60 कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय विधान परिषद के कुल सदस्य कितने थे, तो आप कहेंगे सर 69 थे, तो ये 9 कहाँ से आ गए, आप कहेंगे पदेन लोगों को दिया गया था, ये 9 लोग जो थे ये पदेन सदस्य थे, मतलब 69 प्लस 9 होगा ना, तब तो ये आएगा, तो ये जो 9 सदस्य हैं पदेन सदस्य हैं, मतलब पद पे रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, वह केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य होगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया, केंद्रीय विधान परिषद का इन्होंने विस्तार किया था। बच्चों, प्रांतीय विधान परिषद का भी इन्होंने विस्तार किया, प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया था, इसका भी इन्होंने विस्तार किया था। लेकिन देखो, इसको जानो आप, ठीक है जानो, लेकिन पहले एक चीज़ जान लेना कि जो प्रांतीय विधान परिषद हैं उनका विस्तार तो किया गया, लेकिन किस प्रांतीय विधान परिषद का सर्वाधिक विस्तार किया गया था, आप कहेंगे कि सर बम्बई जो विधान परिषद है इसका सर्वाधिक विस्तार किया गया, कैसे यार। तो आप कह दोगे कि सर प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या केवल 8 थी, लेकिन ये देखो आप एकदम ड्रास्टिक चेंज कर दिया, 8 से बढ़ा करके 50 कर दिया गया। कलकत्ता की जो विधान परिषद है इसकी भी संख्या बढ़ाई गई, और इसमें प्रारंभ में थी 20, अब बढ़ा के 50 कर दिया गया। मद्रास में भी बढ़ाया जाएगा, तो मद्रास की विधान परिषद की सदस्य संख्या थी 20, इससे बढ़ा के 50 कर दिया गया, ठीक है। आप एक पॉइंट हमको और याद रखना है कि लेकिन ये जो बढ़ोतरी की जा रही है, ये बढ़ोतरी में जो सरकारी सदस्य हैं, ठीक है, मतलब जो सदन हुआ करता था उसमें 2 सदस्य हुआ करते थे, एक सरकारी थे और दूसरे गैर सरकारी थे, ठीक है। तो जो सरकारी सदस्य हैं इनका बहुमत रखा जा रहा है, ठीक है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं,
देखिए, जो केंद्रीय विधान परिषद है बच्चों, केंद्रीय विधान परिषद है, उसमें सरकारी बहुमत रखा गया था, सरकारी बहुमत रखा गया। अब हम आपको इसे समझा दें, सरकारी बहुमत रखा गया था, ठीक है। तो बच्चों देखो, सदस्य दो हो जाएंगे ना, एक सरकारी होगा दूसरा गैर सरकारी होगा। देखो ये सरकारी लिख दिया और ये गैर सरकारी है, तो जो सरकारी सदस्य थे वो कितना थे, वो 37 थे, और जो गैर सरकारी सदस्य थे वो कितने थे, 32 थे। तो गैर सरकारी सदस्य कितने हुए, कम हुए या नहीं हुए, कम हुए ना। तो इसका मतलब क्या है कि यह लोग किसका बहुमत हो रहा है, सरकारी सदस्यों का बहुमत हो रहा है। और ये जो गैर सरकारी सदस्य हैं, इसमें भी जरा एक तमाशा देखिए आप, क्या है तमाशा, इन्होंने क्या किया कि 32 में 5 ये तो नॉमिनेट होंगे, मनोनीत होंगे, किसके द्वारा, इनका मनोनयन करेंगे वाइसराय महोदय, वाइसराय महोदय करेंगे, और 27 ये जो हैं ये निर्वाचित होंगे निर्वाचक मंडल द्वारा। अभी हम बताएंगे कि निर्वाचक मंडल में कौन था, क्लियर। तो आपने देखा, मतलब नाटक किया इन्होंने, सरकारी जो सदस्य हैं इनकी संख्या बढ़ा दिया, गैर सरकारी सदस्य इनकी संख्या बढ़ा दिया। अब आप एक चीज़ बताओ, ठीक है, कि सदस्यों का निर्वाचन कौन करता था, ये भी तो देखा जाए कि सदस्य का निर्वाचन कौन करता है, ठीक है। तो आप एक काम कर लो, यहीं पर कर लो आप, ठीक है, सरकार मतलब जो सदस्य हैं इनका निर्वाचन कैसे हो रहा है, तो आप एक काम करो, सरकारी सॉरी सदस्यों का निर्वाचन, ये आपने छोटी सी हेडिंग डाल दी आपने, तो सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, निर्वाचक मंडल करता था। अब आप एक बात बताओ यार, ये जो निर्वाचक मंडल है इसमें था कौन, इसमें जमींदार था, जमींदार किसका है, जनता का है, नहीं ना, क्लियर, सरकार का ही तो है। और दूसरे कौन है, ये देखिए गंदा काम हो रहा है, मुस्लिम्स, मुस्लिम को आपने दे दिया। और एक और निर्वाचक मंडल में शामिल था सीसी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिख देते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक बच्चों। तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स या सीसी, ठीक है, ये क्या हो रहा है, यही निर्वाचक मंडल है। अब आप बताओ, है ना उपहास, है ना प्रतिनिधित्व का उपहास किया गया ना, आप इसमें जनता कहाँ भाग ले रही है निर्वाचन में, ठीक है। और एक चीज आप देखो, अगला पॉइंट कर लीजिएगा, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, और तब तक आप लिखते रहें। तो हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे करके क्या कर दिया गया, मुसलमानों और हिंदुओं के हित अलग अलग कर दिए गए, क्लियर। और जब हित अलग हो गए तो जाहिर सी बात है कि दोनों दो रास्ते पर चल दिए, और यही रीजन है कि इसको कहा जाता है कि बांटो और शासन करो की नीति को वैधानिकता किसने दिया, बांटो और शासन करो की नीति, की नीति कहाँ का सिद्धांत है, ये रोम का सिद्धांत है, रोमन थ्योरी है ये थ्योरी। और इसे कानूनी रूप कब दिया गया भारत में, आप कहेंगे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के द्वारा दे दिया गया, क्लियर। अब मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट आप याद रखना, ये मेन चीज है यार, दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार भी प्रतिनिधियों को, भारतीय प्रतिनिधियों को दे दिया गया। एक चीज आप ये देखिए, इसके पहले तो नहीं था ना, नहीं था, तो ये पहली बार दिया जा रहा है ना, तो आप इसे हाईलाइट कर लेंगे ना। अब ये देखिए, बजट पर वाद विवाद का अधिकार भी पहली बार दिया जा रहा है, आप कहेंगे नहीं इसके पहले तो था 1892 के इंडिया काउंसिल एक्ट में तो था,
नहीं बच्चों, वहाँ था कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आप वाद विवाद नहीं कर सकते। ठीक है, तो अंतर हुआ कि नहीं? प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना दोनों में अलग हो गया। अब तीसरी बात आप याद रखिएगा, भारतीय प्रतिनिधि सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव ला सकते थे। भारतीय प्रतिनिधि क्या कर सकते हैं? सार्वजनिक जो हित के विषय हैं, ठीक है, इस सार्वजनिक हित के विषय पर भारतीय जो प्रतिनिधि हैं यह क्या ला सकते हैं? प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, मतलब इनको प्रस्ताव लाने का अधिकार दे दिया गया। अब बच्चों ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो आपके सामने आते हैं वो कह देते हैं, ठीक है, इस तरह से दे देते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के पारित होने के क्या कारण थे, वो तो आपने पढ़ लिया, उपबंध क्या थे, और ये भी पूछ देता है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 की आलोचना करिए। ठीक है, तो आप आलोचना भी कर लीजिए इसकी, आलोचना है ना, भारत सरकार अधिनियम 1909 की आलोचना क्या है? तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि इसमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना ही नहीं की गई थी। उत्तरदायी सरकार क्या हुआ, ये नहीं बनाई गई। ठीक है, और दूसरी चीज, सांप्रदायिकता और विशेष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था। इसमें क्या किया गया, सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन दिया गया, ठीक है, और विशेष लोगों को भी निर्वाचन दिया गया, विशेष लोगों को भी या विशेष निर्वाचन प्रणाली को भी अपनाया गया। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत में विभाजन की नींव भी डाल दी गई, यहाँ लिख दीजिएगा, इस प्रकार भारत में विभाजन की नींव भी डाल दी है। किसने डाल दिया है? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ने डाल दिया है। बच्चों एक और चीज़ है, इसमें प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण किया गया था, अतिशय केंद्रीकरण कर दिया गया, किसका? प्रशासन का। तो जब आप प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण करोगे, ठीक है, तो आप बताओ आप स्थानीय संस्थाओं का क्या करोगे भाई? तो स्थानीय संस्थाएं तो दम तोड़ जाएंगी ना। तो ये देखो जो लोकल बॉडीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैं, ये महत्वहीन हो जाएंगे। और इसीलिए रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था, क्या कहा था, कि प्रजातंत्र और नौकरशाही के बीच, प्रजातंत्र मतलब कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र और किसके बीच, नौकरशाही, नौकरशाही के बीच, ठीक है ना, तो एक अधूरा और, ठीक है, अकल्पनीय समझौता। ठीक है, मतलब रैमजे मैकडोनाल्ड सर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 प्रजातंत्र और नौकरशाही के बीच में एक अधूरा समझौता है, एक अकल्पनीय समझौता है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे वह समझौता है। ठीक है, और एक चीज़ आप और आलोचना कर सकते हैं, देखिए जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी, लिख लीजिए, देखिए जो प्रांतीय व्यवस्थापिका है ना, तो प्रांतीय व्यवस्थापिका में, प्रांतीय विधान परिषद में या व्यवस्थापिका लिख देते हैं, आपने बहुमत किसको दिया है, किसको दिया, गैर सरकारी सदस्यों को दिया है। अभी मैंने आपको इशारा भी किया था, गैर सरकारी सदस्यों को आपने क्या दिया, ये बहुमत दे दिया, इनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन यह एक माहौल था, माखौल था यार, माखौल था, आप कह सकते हैं एक प्रेशन था, उपहास था। क्यों? क्योंकि ये जो गैर सरकारी सदस्य थे यह कुछ नहीं थे, ठीक है, अपितु यह एक दलाल थे, सरकार के दलाल थे ये, जैसा सरकार चाहती थी वैसा ये करते थे, सरकार चाहती थी तो ये अनुपस्थित हो जाते थे, सरकार चाहती थी तो ये उपस्थित हो जाते थे। ठीक है,
इस प्रकार से ये जो गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत दिया गया वो भारतीय भारतीयों के भोलेपन पर, ठीक है, ये क्या था, उनके भोलेपन पर, उनके विश्वास पर एक क्रूर मजाक था, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगला जो टॉपिक देखेंगे वो हमारा अगला टॉपिक होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, लेकिन हम उसको यहाँ पर नहीं रखना चाहते, ठीक है, नहीं देना चाहते, ठीक है, उसके लिए हम अलग से ही चैप्टर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात आपको चलते चलते मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप निष्कर्ष भी लिखना जान जाए, ठीक है, कि निष्कर्ष भाई पॉजिटिव आएगा, कुछ कुछ तो पॉजिटिव आएगा निष्कर्ष में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पर आप निष्कर्ष क्या ले रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कि सर कुछ अच्छाइयाँ भी थी इसके अंदर। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसकी तुलना में यह अधिक प्रगतिशील था, ठीक है ना। भारत परिषद 1909 जो लाया गया, ठीक है, सॉरी 1892 जो लाया गया था उसकी तुलना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 क्या था, प्रगतिशील था। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को अपनाया गया था। ये देखो, पहली बार, ठीक है, निर्वाचन के सिद्धांत को अपनाया गया, इसलिए यह क्या है, मील का एक पत्थर है, ठीक है। और आप एक चीज़ याद रखेंगे, वो आप जान चुके हैं, इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिकता की भावना को क्या किया गया, सांप्रदायिकता की भावना को जगाया गया, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा लोगों के मन में सांप्रदायिकता की भावना को जगाया गया, और जब ये सांप्रदायिकता की भावना को जगाया इन्होंने, तो इसी के साथ भारतीय जो समाज है उसमें हिंदू मुसलमान किया और फूट डाला, और फूट डाल करके इन्होंने शासन करने की नीति को अख्तियार कर लिया। फलतः भारत में आपने तो ये कर दिया भाई, आपने जो भारतीय समाज है उसमें हिंदू मुसलमान किया, नफरत फैलाई, और नफरत फैलाने के बाद आपने भारत के निर्माण का, भारत के विभाजन का मार्ग बना दिया। लेकिन आप जानते हैं इसका क्या परिणाम आएगा बच्चों? इसका परिणाम आएगा कि भारतीय जो राजनीति है ये उग्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलनों की ओर बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब जो आप सांप्रदायिकता को अपना रहे हो उसका क्या प्रभाव आएगा? ठीक है, आपने हिंदू मुसलमान में बांट दिया, लेकिन उसका परिणाम आएगा भारत में बच्चों उग्रवादी और क्रांतिकारी राजनीति का, ठीक है, भी उदय हो जाएगा। आप कह सकते हैं आंदोलनों का उदय भी हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग आज इतना ही रखेंगे, ठीक है, सेस द डे आफ्टर करेंगे, मतलब अगला जो क्लास आएगा हमारा उसमें करेंगे, ठीक है ना। और आपको अगर कोई परेशानी होती हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।